ये व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। तो यार जो आज की वीडियो वाली यार बहुत ही अमेजिंग होने वाले है, क्योंकि यार मुझे लीक से पता चला कि भाई लॉस सैंटोस के मिलिट्री बेस में एक भाई नई फ्यूचरिस्टिक कार आई है। मतलब यार वो बहुत ही ऑसम लेवल की है, बट यार वो पब्लिक के लिए अभी लॉन्च नहीं करी गई है, वो सिर्फ यार मिलिट्री वालों को दी गई है। क्योंकि यार वो जो कार यार बहुत ही ज़्यादा, मतलब यार तुम कह सकते हो फ्यूचरिस्टिक लेवल पे बनाई गई है, क्योंकि यार उसमें बहुत वेपन्स ऐड करे गए हैं, प्लस बुलेट प्रूफ वो कार है। और गाइस तुम्हें पहले बता दूं, और तुम टेक्नोलॉजी को जानते हो, वैसे सब जानते होंगे, ठीक है। तो यार उन्होंने एक साल पहले एक कार दी गई थी, मिलिट्री वालों ने खुद की बनाई थी, ठीक है, और उन्होंने वो स्टील कर ली थी। बट यार उसके बाद से यार उन्होंने मतलब भाई लाना बंद कर दी थी लॉस सैंटोस में। बट यार फाइनली यार उन्होंने एक साल बाद वापस से एक कार मतलब लाई है। बट यार वो जो कार यार बहुत यार नेक्स्ट लेवल की है। मतलब वो उसका जो थोड़ा मॉडल है वो थोड़ा बैट मोबाइल जैसा है, ठीक है। मतलब अगर तुम बैटमैन को जानते हो, जो उसकी कार होती है, ठीक है, तो उसकी जैसा कुछ उसका मॉडल है, ठीक है। तो यार अभी वो तो जाके हमें पता लगेगा, ठीक है। वैसे तो फिलहाल हम मैं सोच रहा हूँ उस वाली कार को चुराने के लिए, मतलब इतनी ज़्यादा ओपी लेवल की है अभी लॉस सैंटोस में किसी के पास नहीं। और यार बुलेट प्रूफ पूरी कार है, प्लस यार उसमें नाइट्रो भी लगे हुए हैं, और जो यार उसकी स्पीड और जो लुक है यार उसका पर्सनली यार मैं फैन हो चुका हूँ, ठीक है। बट यार एक दिक्कत है यार, वहाँ पे जाने के लिए यार मुझे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पहले तो यार मुझे मिलिट्री बेस के अंदर घुसना पड़ेगा, और वहाँ पे तुम्हें पता ही होगी भाई जो सिक्योरिटी लेवल है यार कितनी ज़्यादा टाइट होती है। तो मतलब भाई ये मेरे लिए होने वाला है एक इम्पॉसिबल सा चैलेंज। बट यार उस कार को लेने के लिए हम भाई कुछ भी कर सकेंगे, ठीक है। और गाइस यहाँ पे यार ये जो तुम दो कार देख सकते हो, एक है लाइकन हाइपर स्पोर्ट जो कि मैंने फ्रैंकलिन के खरीदी है, ठीक है, उसका बर्थडे आने वाला है तो उसके ऊपर भी वीडियो आने वाली है। और गाइस ये मैंने यार टेक्नो गेमर्स की भी, ये मैंने लैम्बोर्गिनी सियान चुराई थी, ठीक है। वैसे फिलहाल तो मैं इन दोनों में से कोई भी कार यूज़ नहीं करने वाला। अगर मैं लैम्बोर्गिनी सियान को लेकर जाता हूँ और भाई बीच में कोई दिक्कत हो जाती है, तो यार तुम्हें पता है इतनी मेहनत से तो ये मैंने कार चुराई थी, फिर भाई मैं इससे बंगे नहीं लेना चाहता, ठीक है। और भाई ये तो यार फ्रैंकलिन का बर्थडे प्रेजेंट है, तो इससे तो यार पूरी दूरी में रहूँगा, ठीक है। वैसे फिलहाल तो मैं अभी ये अपनी लैम्बोर्गिनी यूज़ करूँगा, ठीक है, जो कि अभी मेरे किसी काम की है नहीं, ठीक है, बट काम की तो बहुत यार लैम्बोर्गिनी है, ठीक है। तो चलो यार अभी तुम मौसम देख ही सकते हो कुछ ऐसा हो रहा है, और हमारी कार का भी लोग अलग ही हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले चलो हम बाहर की तरफ चलते हैं। ओ भाई हाथी ठोक दी, ठीक है चलो। तो गाइस सबसे पहले यार मैं थोड़े वेपन्स बाय कर लेता हूँ, क्योंकि यार वहाँ पे जाने के लिए यार बहुत ही ज़्यादा मतलब इतने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, पुलिस वाले हैं, प्लस उन पर भाई इतने सारे मिसाइल्स लॉन्चर वेरियस टाइप ऑफ वेपन्स हैं। तो यार उनसे फाइट करने के लिए मुझे चाहिए होगी वेपन्स की ज़रूरत। तो सबसे पहले हम एमुनेशन चलते हैं, और वहाँ पर जाके हम थोड़ी गन बाय करते हैं, ठीक है। तो यार बिना किसी देरी करे हम चलते हैं एमुनेशन, और वहाँ पर थोड़ी गन्स हम बाय करते हैं, और रॉकेट लॉन्चर जो कि हमारे बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो गाइस चलते चलते यार हम आ चुके हैं अपने एमुनेशन की ओर, ठीक है, जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पर। ओके तो सबसे पहले हम अपनी कार पार्क करते हैं। ओह भाई यार तुम्हारे भाई की यार सबसे यार कार लगी दिख रही है, तुम देख ही सकते हो। ओके तो चलो यार जल्दी से हम चलते हैं और थोड़े वेपन्स बाय करते हैं हम। ओके तो गाइस लिटरली यार यहाँ पे देख सकते हो यार कितनी सारी यहाँ पे ऑसम गन्स हैं, ठीक है, रॉकेट लॉन्चर और M249, M146 स्नाइपर और उजी UMP9, मतलब भाई सारी गन्स यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगी, ठीक है। ओ भाई और प्लस यहाँ पे थोड़े क्लोथ्स भी मिल जाएंगे। तो यार मैं सोच रहा हूँ भाई कि मुझे क्लोथ्स भी चेंज कर लेने चाहिए, क्योंकि यार वहाँ पे अगर मुझे जाना है तो अपनी आइडेंटिटी मुझे नहीं बतानी, ठीक है। और अगर मैंने बता दी कि भाई मैं कौन हूँ माइकल, तो यार वो मेरे घर भी आ सकते हैं, ठीक है, तो मेरी लोकेशन ट्रैक करके यार मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ यार अपना मतलब थोड़ा चेंज कर लूँ कपड़े वपड़े, थोड़ा ड्रेसअप कर लूँ, ठीक है, जिससे मुझे यार वहाँ पर कोई पहचान ना पाए, ठीक है, आगे या तो उस टाइम, ठीक है। तो चल यार अब जल्दी जल्दी चलते हैं और अपनी थोड़ी गन्स हम ब्राउज कर लेते हैं। सो गाइस फाइनली यार यहाँ पे तुम्हारे भाई ने यार यहाँ पे कपड़े अपने चेंज कर लिए हैं, और ये भाई मैंने यार ब्रीफकेस में भाई पूरे यार अपनी गन्स और ग्रेनेड वगैरह सब मैंने ले लिए हैं, ठीक है। और भाई बहुत ही यार ऑसम लेवल के मैंने गन्स और वेपन्स बाय करे हैं, तुम देख ही सकते हो भाई, शॉर्ट गन, स्नाइपर, प्लस यार तुम इनकी एमओ भी देख ही सकते हो भाई, यार सारी ऑसम लेवल की होने वाली है, ठीक है।
तो यार बिना किसी देरी करे यार अब हम चलते हैं अपने मिलिट्री बेस की तरफ। ठीक है यार, बहुत ही यार मतलब एक्साइटमेंट हो रही है, प्लस डर भी लग रहा है यार। उतने सारे लोगों से हम भाई अकेले फाइट करने वाले हैं, प्लस यार तुम इसका मास्क तो देख ही सकते हो यार, कितना ज़्यादा ऑसम लेवल का ये लग रहा है मास्क। ठीक है, बट यार इससे हमें यार एक फ़ायदा फ़ायदा ये होता है कि भाई हमें यार कोई भी इजिली पहचान नहीं पाएगा कि हम कौन है। ठीक है, तो यार जल्दी चलते हैं अपनी कार में बैठते हैं, ठीक है, और चलते हैं अपनी मिलिट्री बेस की तरफ। तो गाइस आधे घंटे की ड्राइविंग करते करते यार फाइनली यार जो तुम्हारा भाई है आ चुका है मिलिट्री बेस वाली जगह पर। और गाइस यही वो एरिया है यार जहाँ पे यार मिलिट्री बेस है। ठीक है, और यहीं पे हमें कार भी मिलने वाली है। बट यार यहाँ पे जो तुम लोकेलिटी तुम देख सकते हो, ओ भाई लिटरली यार ट्रैफिक तो बिल्कुल नहीं है। तो यार मुझे इसका एक एडवांटेज ये होगा कि भाई ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, तो भाई अपनी कार को मैं बहुत आराम से भगा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बट यार यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है यार, मुझे पता ही नहीं है कि भाई जो कार की यार एग्जैक्ट लोकेशन वो आखिर कहाँ पर है। तो सबसे पहले हमें जाकर यार अंदर भाई कार की लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी, कार ढूंढनी पड़ेगी कि भाई आखिर कार को यार रखा कहाँ पर है। ठीक है, बट यार फाइनली यार हम अपने डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं और यही वो इलाका है जहाँ पे यार हमें अंदर जाना है। प्लस यार यहाँ पे जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। ठीक है, बट यार मुझे भाई सबसे ज़्यादा मास्क का एडवांटेज हुआ है क्योंकि यार सीसीटीवी मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो यार बिना किसी देरी करे यार अब चलते अपने यार मेन पॉइंट के ऊपर। ठीक है, और गैस यहाँ पे से यार यहाँ से तुम व्यू देख सकते हो यार, कितना प्यारा व्यू यहाँ से आ रहा है। और गैस ब्रिज तो यार पूरा पबजी वाला लगा रखा है। ठीक है, मतलब भाई पूरी पबजी की याद आ गई। ठीक है, और सामने की तरफ वो भाई यही एंट्रेंस। ओके, तो एक बार हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे कोई है तो नहीं। ओके ओके ओके, तो गाइस मैं सोच रहा हूँ। ओके 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 भाई, ओके 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 भाई, मतलब इतना मतलब भाई कैसे कोई हो सकता है, मतलब बात भी करने नहीं दे रहा। ओके बेटे रुक, तुझे तो मैं अभी देखता हूँ, तुझे तो अभी देखता हूँ बेटे, एक मिनट रुक तू। तो गाइस सबसे पहले यार इधर हम अपनी कार पार्क कर देते हैं। ठीक है, आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका पन्ना साफ करते हैं। ठीक है, उसका पत्ता साफ करते हैं। ओके, तो यार हमें बहुत यार आराम आराम से जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके ओके। और गाइस यहाँ पे यार पुलिस भी लग चुकी है, बट हम यहीं पे बैठने वाले हैं। ठीक है, जब तक पुलिस नहीं जाती। और गाइस यही वो जगह है जहाँ पे यार बहुत सारे मतलब उसे देखने के लिए आ चुके थे। ठीक है, और मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। और गाइस वहाँ पे तो मैं अगर फोकस करोगे तो यार वहाँ पे देख सकते हो एक भाई कार है और उस साइड भी एक कार है, बट आई गेस वो सारे लोग अंदर जा चुके हैं। ठीक है, तो आई गेस यही मेरा सबसे बेस्ट टाइम है जाने का अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले जल्दी चलते हैं अपनी कार को अंदर लेकर। ठीक है, और सिचुएशन जो होगी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, ओके। ओ भाई मतलब कितने बंदे आ चुके हैं। और गाइस सबसे पहले यार मुझे अंदर का गेट खोलना पड़ेगा जिसके वजह से मैं अंदर जा पाऊंगा। और गाइस सामने की तरफ देख सकते हो यार कितने सारे मतलब टैंक्स खड़े हैं, बट यार यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, जल्दी निकल जल्दी निकल। ओ भाई यहाँ तो मतलब फट से चुके हैं। ओ भाई यार सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। आई गेस यहाँ पे रास्ता होगा। ठीक है, चलो इसके अंदर चलते हैं जल्दी से जल्दी। ओ भाई लिटरली मतलब भाई मुझे एक भाई छोटे से बंदे को मारने के लिए भाई टैंक मतलब सारी चीज़ें आ चुकी हैं। बस एक आई गेस हेलीकॉप्टर की कमी है, वो भी आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो एरिया एंट्रेंस का वो हो चुका है। ओके भाई मतलब बची हम गए। ओ भाई लिटरली तुम देख सकते हो। ओ भाई ओ भाई, और गाइस ये हम भाई बिल्कुल ही गलत जगह पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें उस वाले एरिया के अंदर जाना पड़ेगा जहाँ पे सारी कार्स इनकी स्टोर होती हैं। ओ भाई ओ भाई यार मतलब अगर यहाँ पे एक सेकंड भी रुका तो भाई जान से मुझे खेलना पड़ेगा अपनी। ठीक है, और जल्दी से हम रास्ता ढूंढते हैं अंदर जाने का। ओप्स, ओ भाई बच गए। ओ ठीक है, तो गाइस हम अंदर फाइनली आ चुके हैं। बट यार अब हमें कार को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ तो सारे गराजेस बंद कर दिए गए हैं और आई गेस शायद यहीं पे कहीं आसपास होंगी वो कार। ठीक है, बैट मोबाइल की, उसका वैसे नाम तो बैट मोबाइल नहीं है, बट जो भी उस कार का वो तो हम देखने के बाद ही पता लगेगा। और गाइस यहाँ पे तुम सारे देख सकते हो, सारे शटर्स यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं।
एक दो बस खोले गए, बट यार हमें यहाँ पे भाई सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है, हमें कार की लोकेशन पता ही नहीं है, तो हमें कार को पहले सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ से सबसे पहले हम राउंड राउंड मारते हैं ताकि हम पकड़े ना जाएं, ठीक है। ओ भाई ओके, तो यार यहाँ पे तो ओ भाई मतलब लिटरली यार यहाँ पे देख सकते हो मुझे मारने के लिए दो हेलीकॉप्टर आ चुके हैं, और सबसे पहले हम इन्हें क्लियर करते हैं। आई गेस इससे काम नहीं बनने वाला। और गाइस लिटरली आप देख सकते हो वो भाई मतलब क्या ही सीन कर रहे हैं यार। ओके तो सबसे पहले हम इन्हें क्लियर करते हैं, ठीक है, सामने की तरफ। ओके भाई जहां देखा वहीं पे बंदे ही बंदे यार, आई गेस आई आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है सिचुएशन, तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। ओके तो जल्दी चलो यार यहाँ से निकलते हैं और अपनी कार को ढूंढते हैं कि आखिरकार कहाँ पे रखी गई है। ओके यार उधर तो वैसे हमने सारी से चेकआउट कर ली थी, बट इधर का जो एरिया था वो रह गया था, तो आई गेस इधर ही कहीं कार होगी। और गैस फाइनली यार वो कार यार मुझे स्पॉट हो चुकी है, यहाँ पे देख ही सकते हो। ओ भाई तो यार यही वो कार है, बट यार यार भाई सबसे बड़ी दिक्कत ये है, तुम देख सकते हो कितने सारे बंदे यार मुझे घेर कर बैठा है, ठीक है, कितने सारे बंदों ने वो यहाँ पे मुझे घेर के बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले यार इन्हें क्लियर हम करते हैं। ओके ओके तू निकल, ओके भाई तू भी निकल, निकल भाई निकल 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 निकल। ओके भाई ये मतलब बंदे आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है, तू भी निकल, चल तेरी ऐसी की तैसी, तू भी निकल तेरी ऐसी की तैसी। ओके तो भाई रास्ता तो यार पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, ठीक है, बट यार और भी पुलिस आ रही है, तो यार सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। और भाई कार तुम देख ही सकते हो, ओ भाई लिटरली यार। और गाइस यहाँ पे एक छोटा सा डेंट भी है जो कि आई गेस यहाँ पे गोलियाँ वोलियाँ चलाने से हुआ है, ये तो मैं रिपेयर करवा लूँगा। बट यार यहाँ पे जो कार का लुक है, ओ भाई ये भाई इसकी टायर तुम देख ही सकते हो, जितना बड़ा मैं हूँ, ठीक है, मतलब उतना ही बड़ा टायर भी है, ठीक है। ओ यार कार का जो यार बहुत ही ज़्यादा ऑसम लुक है, जैसे कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था। और जो भाई इसके अंदर के इंटीरियर हैं, ओ भाई तुम यार खुद ही देखो एक बार, ओ भाई ओ भाई। तो आई गेस यार मुझे लेट नहीं करना चाहिए, और सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं। ओके और गाइस यहाँ पे अंदर का लुक तुम देख सकते हो, ओ भाई। और भाई आवाज़ सुनो इसकी, ओ भाई ओ भाई। सो गाइस चलो अब जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं और अपने यार एरिया में चलते हैं लॉस सैंटोस की तरफ, ठीक है। बट यार यहाँ पे यार भाई रास्तों में भूल ही चुका हूँ कि भाई मैं कहाँ से आया था, ठीक है। और गाइस यहाँ पे हम इसका स्पीड टेस्ट भी कर ही लेते हैं, ठीक है। और ये जो यार ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि यार ये जो कार है यार पूरी तरह से एंटी बुलेट है, ठीक है, तो इस पर मुझे कुछ भी असर नहीं होने वाला गोलियों का या तो रॉकेट लॉन्चर का, ठीक है। बस यार अगर डर है तो यार वो किस चीज़ का डर है मैं तुम्हें बता दूँ, सिर्फ टैंक का डर है, बट यार वो भी इसके सामने कुछ नहीं है। मतलब कार तुम देख ही सकते हो कितनी बड़ी है, ओ भाई यार अलग ही लुक की है, ठीक है। और हेलीकॉप्टर भी इसका कुछ नहीं कर पाएंगे, बट सबसे पहले यार इसे हम क्लियर करते हैं। ओके और भाई सामने की तरफ यार तुम देख सकते हो यहाँ से गोलियाँ निकलती हैं, और यहाँ पे मैं तुम्हें इसका ट्रायल दिखा देता हूँ। भाई रुको जा सामने रुको। ओके तुम देख सकते हो और सामने की तरफ गोलियाँ चलनी है। ओके तो चलिए यार जल्दी जल्दी हम निकलते हैं अपनी तरफ, और यहाँ से मैं अपनी स्पीड चेक करने वाला हूँ। ओके और गाइस लिटरली यार तुमने देखा था कि भाई टैंक भी यार कुछ भी इस कार का नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो भाई यार ज़ीरो डैमेज लिटरली यार भाई नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। फिर उसमें ट्राई करते हैं स्पीड, और जो यार इसकी स्पीड है 80 सेकेंड्स, मतलब भाई कुछ सेकंड में यार ये 100 पार कर गई, 5 to 6 सेकंड में 100 प्लस पहुंच जाती है। और तुम देख ही सकते हो इसकी हाई स्पीड हम चेक करते हैं यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड जो है। ओके तो यार जो इसकी स्पीड है वो ज़्यादा तो नहीं है, बट यार हाँ बहुत ही अच्छी है बुलेट प्रूफ कार के हिसाब से, ठीक है। और इसका एक बार हम नाइट्रो भी चेक कर लेते हैं, और भाई नाइट्रो लिटरली यार तुम देख सकते हो, ओ भाई 300 स्पीड, मतलब भाई 300 प्लस चली गई थी ये कार, ओ भाई।
मतलब भाई नेक्स्ट लेवल की चीज है। ठीक है तो यार जल्दी जल्दी अब निकलते हैं अपने लॉस सैंटोस की तरफ। ठीक है ओ भाई भाई मतलब देख रहे हो और मतलब ऐसा लग रहा है सुपरमैन की कार हो। ठीक है वैसे है तो ये बैटमैन की भी नहीं है, मिलिट्री वालों की है। ठीक है तो यार जल्दी जल्दी निकलते हैं अपनी इस जगह से। ठीक है और कोई सेफ जगह पे चलते हैं और आई गेस यहीं से रास्ता होगा निकलने का कहीं से। चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है वैसे कुछ पता तो है नहीं। ठीक है पहली बार आया हूँ मिलिट्री बेस और आई गेस ये है रास्ता। ओके तो भाई ये तो वही जगह है जहाँ से मैं आया था और वहाँ से तो लॉक होगा रास्ता तो आई गेस मुझे यहीं से निकलना पड़ेगा। और ओके तो मतलब लिटरली यार मुझे एक टाइम को लगा था कि यार ये जो रास्ता ही बंद कर दिया गया है बट यार खुला रखा गया है इसके लिए भाई बहुत ही थैंक यू। ठीक है तो निकलते हैं यहाँ से जल्दी और सामने की तरफ तो कोई नहीं आई गेस। सो गाइस फाइनली यार आ चुका है मिलिट्री बेस के बाहर। बट यार सबसे जो इधर वो शिट 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 भाई क्या कर रहे हो यार भाई इसकी ये चीज़ तो बेकार है यार। मतलब पूरी कार जो बुलेट प्रूफ तो है बट यार यहाँ जो विंडोज़ हैं ये भाई बहुत यार लोकल लेवल के यहाँ पे लगाए गए हैं। तो अब यहाँ से सबसे पहले निकलते हैं और भाई लिटरली यार यहाँ पे देख सकते हो भाई ओ भाई ओ भाई अब तो भाई यहाँ से मैं पूरा घायल भी होने वाला हूँ पूरे रास्ते में नाइट्रो यूज़ करके। भाई पुलिस वालों के मुझे पापा भी नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात ये होने वाली है अगर यार ये मेरे पीछे आते रहे और इन्हें अगर मेरे घर का पता लग गया तो यार थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है बट उसे भी हम संभाल लेंगे। और यहाँ पे तुम इसका जादू देख सकते हो मतलब भाई सामने से यार कार खड़ी है कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा इस कार को। ठीक है बस अपने में मौज में आई है। ठीक है और यहाँ से हम निकलते हैं। ओ भाई हट जाओ यार। ओ भाई लिटरली यार यहाँ पे तुम देख सकते हो भाई कुछ भी यार इसका कोई भी कार कुछ नहीं कर पा रही और भाई ये आ रहा सामने से कार पे लटक के। ठीक है इन्हें लग रहा है मुझे रोक पाएंगे बट यार भाई कार तो देख लो यार फिर तो आउट ट्राई करने। ठीक है कार भी तुम ऐसी लेकर आ रही हो कि मतलब भाई देख के हंसी सी आ जा रही है। तो यार अब बिना किसी देरी करे यार अब भाई मैं पूरे रास्ते में नाइट्रो यूज़ करने वाला हूँ जब तक मेरा घर नहीं पहुँचता माइकल का। ठीक है सो गाइस लिटरली यार मतलब भाई 2 घंटे की ड्राइविंग करते करते यार फाइनली यार जो तुम्हारा भाई है आ चुका है माइकल के घर पर। ठीक है आई मीन लॉस सैंटोस में हम फाइनली एंट्री हम कर चुके हैं और गाइस यहाँ पे पुलिस भी मतलब गायब हो चुकी है। बट यार यहाँ पे मुझे एक दिक्कत की बात लग रही है जो भाई लोकल पुलिस है कहीं उन्हें शक ना हो जाए इसलिए मुझे जल्दी जल्दी यार अपने घर में जाना पड़ेगा और इस कार को पार्क करना पड़ेगा। ठीक है बट यार सबसे बड़ी एक और भाई प्रॉब्लम है कि भाई मेरे गराज में बिल्कुल भी जगह नहीं है। ठीक है क्योंकि यार मैंने पहले से ही लंबोर्गिनी सियान को पार्क कर रखा है और लाइक एन हाइपर स्पोर्ट को। ठीक है जो कि यार बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात होने वाली है। बट यार मैंने यार कुछ दिनों पहले एक अपना गराज खरीदा था और उसमें अभी बहुत ही ज़्यादा स्पेस है तो इस वाली कार को मैं उधर खड़ी कर सकता हूँ पार्क कर सकता हूँ। बट यार उससे पहले हमें यार अपने आउटफिट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है कि यार ये जो आउटफिट है भाई उन वाले पुलिस वालों के दिमाग में भाई पूरी तरह से रह गया है। ठीक है और भाई अब तक पूरे लॉस सैंटोस में खबर फैल चुकी है कि भाई ये जो बंदा यार ऐसा दिखने वाला बंदा भाई इस वाली कार को लेकर यहाँ से फरार हो चुका है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने आउटफिट को चेंज करते हैं। ठीक है सो गाइस फाइनली यार यहाँ पे मैंने अपना पूरा आउटफिट चेंज कर लिया है और यार जल्दी जल्दी हम चलते हैं अपने दूसरे वाले गैराज में जहाँ की मैं इस वाली कार को पार्क करने वाला हूँ क्योंकि यार अभी तक यार लॉस सैंटोस में पूरी तरह से खबर नहीं फैली हुई है तो यार बहुत से कम लोगों को पता है और धीमे धीमे ये जो खबर है फैल रही है। ठीक है तो जल्दी चलते हैं अपने दूसरे गैराज में। ठीक है और वहाँ पर इस वाली कार को सेफली हम पार्क करने वाले हैं। ठीक है ओके तो यार सबसे पहली बात यार यहाँ से मैं निकालूँ तो निकालूँ कैसे इतनी लंबी कार है। ठीक है ओ भाई आराम से ओ भाई लिटरली बच गया मैं। ठीक है चलो यार अब जल्दी जल्दी चलते हैं और पार्क कर देते हैं इस वाली कार को। भाई 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 मतलब यार बंदे देख के कहेंगे भाई कौन सी कार है मतलब कहाँ से भाई क्या ये कार रियल है। ठीक है चलो यार जल्दी जल्दी चलते हैं और अपने दूसरे वाले गैराज में इस कार को पार्क कर देते हैं। सो गाइस फाइनली यार यहाँ पे जो यार मेरी कार थी यार यहाँ पे मैंने अपने दूसरे वाले गैराज में पार्क कर दी है और गाइस लिटरली यार यहाँ पे तुम मतलब सोच सकते हो और यहाँ पे तो भाई कोई दुनिया की पुलिस भी नहीं पहुँचने वाली और ना ही भाई किसी को कानो कान खबर होगा। ठीक है और लिटरली यार यहाँ पे देख सकते हो मतलब भाई क्या ही गैराज है। ठीक है इसके लिए एकदम परफेक्ट एक गैराज है इस वाली कार के लिए। ठीक है तो अब जल्दी जल्दी चलते हैं अपने वापस से घर। ठीक है और देखते हैं वहाँ पे क्या सीन हो रहा है।
तो बस मेरे भाई लोग अगर आज की वीडियो स्टडी कर वीडियो पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पे नए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं कराते हो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अगर तुम्हारे भाई के चैनल पे जीडी साइंस से रिलेटेड रोज़ वीडियोज आती रहती है और सीरीज़ भी आती रहती है, तो अगर तुम इन्हें देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।